हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज मैं आपको मंगल के बारे में बताने वाली हूँ। मंगल का ट्रांसिट हो रहा है 5 फरवरी को और वो 22 मार्च तक रहेगा। सभी राशियों पर ये अपना क्या प्रभाव डालेगा ये देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि ये मंथ बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज रहने वाला है, क्योंकि इस मंथ में बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने चेंज ले रहे हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स ट्रांसिट में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जैसे कि ट्रांसिट में मरकरी चेंज करेंगे 7th को, और फिर सन तो आपको पता ही है कि हर मंथ चेंज करते हैं, और साथ ही साथ फिर वीनस भी चेंज होंगे। और बहुत ही जल्दी 6 मार्च को बहुत बड़े प्लैनेट राहु और केतु भी चेंज होने वाले हैं। एग्जॉल्टेड होकर अपने जेमिनी के साइन में राहु जाएंगे और एग्जॉल्टेड होकर केतु भी जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी धनु में सैजिटेरियस में जहां ऑलरेडी सैटर्न चल रहे हैं। तो ऐसे इतनी बड़ी एनर्जी वाला मूवमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में चल रहा है। तो आपके जो भी प्लैनेट्स हैं जो आपको इम्पैक्ट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि सैटर्न और केतु का योग हो रहा है वो भी बड़ा डिफरेंट है। एस्पेक्ट्स तो सभी प्लैनेट्स के बहुत ही डिफरेंट चल रहे हैं और बहुत पावरफुल चल रहे हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि राहु और केतु के जो भी प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज हो रही हैं सभी लगन पे, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसका मैं ज़रूर बताऊंगी सबको, और साथ में रेमेडीज़ भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको साथ के साथ बताऊं। पर मैं प्री वॉर्न ज़रूर करना चाहती हूं अपने क्लाइंट्स को, अपने जितने भी अपने व्यूअर्स हैं उनको और लिसनर्स को भी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगी कन्वर्ट, तो आप बहुत आराम से उसे देख पाएंगे। देखते रहिएगा, क्योंकि मैं रेमेडीज़ भी बताऊंगी, मार्स से रिलेटेड सारी रेमेडीज़ बताऊंगी, तो आपको ठीक रहेगा क्योंकि आपके लिए एक्टिव प्लैनेट है। देखिए, बड़ा एनर्जाइज्ड प्लैनेट है, बहुत एनर्जी है इस प्लैनेट में, खुद ही बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जाइज्ड प्लैनेट है, और खुद अपने घर में वापस आ रहे हैं, मेष राशि में वापस आ रहे हैं, और अपने घर में तो सभी शेर होते हैं, तो बहुत पावरफुल है, बहुत पावर है। इसके एस्पेक्ट्स भी 3 हैं, देखिए 4th एस्पेक्ट 7th और 8th एस्पेक्ट। 4th एस्पेक्ट जनरली बहुत इम्पैक्ट रखता है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट तो सारे ही प्लैनेट्स करते हैं, इसका 8th एस्पेक्ट भी है। तो ये बड़ा पावरफुल टाइम है, बहुत पावर का टाइम है, बहुत चेंज का टाइम है, बहुत एनर्जी वो डाल रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं बड़ी, वैसे ही इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब मार्स है क्या? मार्स रेड है, रेड कलर है, रेड ब्लड है, आपके जितने भी ब्लड के रिलेटिव्स हैं वो रेड हैं, आपके ब्रदर को भी मार्स कह सकते हैं। भूमि पुत्र हैं तो भूमि से रिलेटेड सारे काम ये करेंगे, लोन्स भी मार्स के बगैर नहीं हो सकते और ना ही चुकाए जा सकते हैं पूरे। और इतना इम्पैक्ट रखने वाला प्लैनेट है हमारे ऊपर, सेनापति है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हम इसके बगैर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बहुत एक्टिव प्लैनेट है, इसका ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है, और इनके एस्पेक्ट्स का भी। अब मेष से स्टार्ट करते हैं कि मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा इनका। मेष लगन में ये खुद ही अपने घर में आ रहे हैं, लगन में आ रहे हैं, तो कितना एक्टिव हो जाएगा, कितना एनर्जी आ जाएगी, कितना एक्टिव टाइम चल रहा है। पर इसका 4th एस्पेक्ट कहाँ है? आपके घर पर है, तो घर में कुछ चेंजेस, कुछ रेनोवेशन, कुछ रेस्टोरेशन, जिसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई न्यू व्हीकल का आना आ सकता है, तय है। 7th और 8th एस्पेक्ट से अपने अब अपने पार्टनर को देखेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ पार्टनर, अगर अपना बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप बिगाड़े नहीं, थोड़ा अच्छे से बात कीजिए, बहुत ज़्यादा जल्दी से गुस्सा मत कीजिएगा, बहुत एंगर को कंट्रोल करेंगे तो ठीक रहेगा। 8th हाउस से थोड़ा सा मुझे ऐसे कभी कभी लगता है, 8th एस्पेक्ट जैसे इसका है मार्स का, इतना 8th हाउस में वैसे तो ऑलरेडी जुपिटर बैठे हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं हो सकता, पर फिर भी कोई ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी व्हीकल का कोई एक्सीडेंट का योग बन सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है 22 मार्च से पहले पहले, 5th फरवरी तक, 5th फरवरी से 22 मार्च तक थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे बीपी वगैरह हाई हो सकता है, तो आप 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी चीनी जो है, जितने भी एरिस वाले हैं वो चींटियों को डालना शुरू कीजिए, ये पूरा मंथ ही आप डालते रहिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी पीपल के पेड़ पर भी ये रख सकते हैं, तो वहाँ एंट्स आ जाती हैं, बड़े बड़े मकौड़े भी आ जाते हैं, तो वो खा जाएंगे, आपको बहुत रिलीफ रहेगा उसका। आपको मैं थोड़ा सा, मैं कभी कभी बात करते हुए बहुत क्विक हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़े वीडियोज़ देखने में थोड़ा लोग नहीं देखना पसंद करते हैं या नहीं देखते हैं, तो मैं थोड़ा छोटा बनाना चाहती हूँ वीडियोस को, इस वजह से मैं कभी कभी जल्दी बोल रही होती हूँ। मैं अब इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूंगी मार्स के ट्रांसिट को, तो आप
सभी राशियों पर आराम से देखिएगा, साथ में रेमेडीज भी दे रही हूँ फ्रेंड्स, ज़रूर कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट भी है मेरी कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत इम्पैक्टफुल ट्रांजिट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होते हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आपको उनका मीनिंग पता चले। आप घर में छोटी छोटी बात पर बहस मत कीजिए, ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप केयरफुली ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आने वाला टाइम कितना अच्छा जा रहा है ट्रांजिट की वजह से। आप केयरफुल हैं, केयरफुल रहना ही आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाती है कि आपका ये अगर अच्छा टाइम है तो वो आपको और केयरफुल रहना सिखाएगी कि ठीक है आपका अच्छा टाइम है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। अगर बुरा टाइम है तो आप इसका इसमें से आपको टाइम का क्रॉस करना है तो आप चुप हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपका मंदा सा टाइम है पैसों के मामले में भी तो आपको खर्चा कम कर लेना चाहिए, पहले ही आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। कर्म तो हमारे हाथ में है ना, तो एस्ट्रोलॉजी आपको प्री वॉर्न कर रही है, इसका मेन मकसद ही यही है, इसलिए मैं बहुत दिल से बताना चाहती हूँ। रेमेडीज भी प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। आपको घर में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिसका कोई ना कोई अलग से लगन है, जितने भी लगन है 12 के 12 उसमें कहीं ना कहीं सभी पर इम्पैक्ट होता है ट्रांजिट का। ये प्लैनेट्स हैं, बहुत मैसिव प्लैनेट्स हैं, बहुत ताकत है इनमें, और जब ये इम्पैक्ट करते हैं तो वो घर में किसी ना किसी अगर मेजर मनी अर्निंग बंदे के ऊपर इतना हो गया अगर घर में इम्पैक्ट, तो उसका कहीं ना कहीं सब पर आएगा थोड़ा थोड़ा असर। तो आप पूरा देखिएगा, पूरे रेमेडीज़ के ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर है। अब हम सेकेंड टॉरेंस की बात करते हैं। टॉरेंस के लिए ये 12th हाउस में आ रहे हैं मंगल, और 12th हाउस खर्चे का हाउस है, तो क्या होगा, खर्चा होगा पर ट्रैवलिंग पर होगा, और हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करें। अब ट्रैवल करेंगे तो मज़ा आएगा और खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ें भी ज़्यादा ली जाएंगी। इसका 7th और 8th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर और 7th हाउस पर है, तो घर में अगर आप अपने पार्टनर के साथ कम बात करेंगे या कम गुस्से में बात करेंगे, अगर वो भी गुस्से में बात कर रहे हैं उसे अवॉइड करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। साथ ही साथ अगर 6th हाउस के एस्पेक्ट को देखते हैं तो वो कर्जा झगड़ा या कोई लीगल इश्यूज़ या कोई शत्रु ज़्यादा बढ़ जाए या कोई रोग दोष आ जाए, तो इस तरीके की चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना है क्योंकि इस एस्पेक्ट को देख रहा है। हालांकि आप कंट्रोल कर पाएंगे, हालांकि आप उस पर टॉप पर रहेंगे, पर फिर भी आपको ध्यान तो रखना है ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। इसके लिए आपको मार्स के एस्पेक्ट का अब आपको क्या करना चाहिए टॉरियंस को, सबसे इजी वो कर सकते हैं वो ये है कि ड्राई नारियल ले लीजिए, खोपा ले लीजिए, उसको कट करके उसके अंदर आटा चावल चीनी डालिए, ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे को आप पेड़ के पास पीपल के पास आप दबा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं मार्स के लिए, तो ट्यूसडेज को आप रखिए, वो खाना हो जाएगा उन लोगों के लिए छोटे